या राजनीति की कीमत भारत के 135 करोड़ लोगों की जान की हिफाजत से ज्यादा है? आखिर हमारे देश में चालान पर राजनीति वाला डिस्काउंट कब तक मिलता रहेगा? ये आज के अहम सवाल है, क्योंकि नया मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद लग रहे भारी भरकम जुर्मानों के बाद राज्य सरकारें कानून को लागू करने से पीछे हटने लगी और इसमें बीजेपी की सरकारों ने ही केंद्रीय कानून को बेअसर करने का काम किया। पहले गुजरात ने कई तरह के उल्लंघनों में जुर्माने की रकम 50-70% तक घटाई, फिर उत्तराखंड के में कई तरह के उल्लंघनों में जुर्माना आधा हो गया, कर्नाटक, झारखंड, गोवा और यूपी भी उनके नक्शे कदम पर है। बीजेपी के विरोधी दलों वाली सरकारें यानी पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी कानून लागू होने पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन इस राजनीति के बीच आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की आदत से देश कितना मजबूर है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक ट्रक चालक का 2,500,000 रुपए के चालान का मामला आया है। ये चालान ओवरलोडिंग की वजह से कटा है। वैसे सड़कों पर नई परिस्थितियां ये हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो रहा है, हालांकि कई जगह चालान को लेकर लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। ट्रैफिक का नया कानून लागू कराते कराते बिहार की राजधानी पटना में ये नौबत आई। हंगामा ऐसा बरपा कि पूछिए नहीं। बहस हुई, झड़प हुई, पत्थर चले और पुलिस का डंडा। ये सब तब हुआ जब पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे पर कार चला रही महिला का चालान हुआ। जब सारा पेपर देख लिए तो लाइसेंस लिए, लाइसेंस अपने पास रखी और बोले कि मैडम आपको 5,000 रुपया दे के जाना होगा। हम बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं बोर्डिंग रोड जाएंगे अभी। तो बोलता है नहीं आपके पास पैसा है, आप 5,000 रुपया दे दीजिए और चले जाइए। यहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में कुछ क्षुब्ध लोगों के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। यातायात को सुचारू करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं और पुलिस बल आई है। हम लोगों के द्वारा आकर यातायात को सुचारू करवाया गया है। पटना में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पुलिस कितनी कसूरवार थी और ट्रैफिक नियमों को ना मानने की मानसिकता कितनी जिम्मेदार, हम इस पर नहीं जा रहे। लेकिन नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया है कि खुद बीजेपी सरकारें कानून को पलीता लगाने में लग गई। शुरुआत गुजरात से हुई है, जहां 15 ट्रैफिक उल्लंघनों में से अधिकतर में 50% तक और कुछ में 70% तक जुर्माना राशि घटा दी गई है। उत्तराखंड में भी कई ट्रैफिक उल्लंघनों पर जुर्माना राशि आधी कर दी गई है, जबकि कर्नाटक ने फैसला किया है कि वो ट्रैफिक उल्लंघनों के जुर्माने पर गुजरात मॉडल को अपनाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने जुर्माने की रकम घटाने के लिए केंद्र को चिट्ठी भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भी अभी नया कानून को लागू नहीं किया है। गोवा का बहाना है कि पहले सड़क ठीक करेंगे फिर नया कानून लागू करेंगे। झारखंड के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी बोल चुके हैं कि फाइन कुछ ज्यादा ही है। जाहिर है सड़क यातायात के कड़े कानून को लेकर बैकफुट पर बीजेपी की सरकारें ही जा रही हैं। लेकिन आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि भले ज्यादा जुर्माने का डर ही सही, लेकिन लोग लाइन पर आने लगे हैं। मैं आपको नोएडा के सबसे घने इलाकों में से एक सेक्टर 15 लेकर के आया हूँ। सबसे व्यस्ततम बाजार है ये, चाहे सुबह से दफ्तर जाने का सिलसिला हो या दफ्तर से घर की आने का सिलसिला। ये देखिए नया कानून लागू हुआ तो यहाँ पर भी जो लक्ष्मण रेखा है जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ से आगे गाड़ी मूव नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बाएं हाथ की तरफ ये रास्ता जो दिल्ली से घुसता है दूसरे रास्तों से अशोकनगर होते हुए, यहाँ पर भी क्या मोटरसाइकिल, क्या बैटरी रिक्शा या क्या टेम्पो, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक भी गाड़ी मजाल नहीं है जो लक्ष्मण रेखा तोड़ दे। नए कानून के बाद, सख्ती के बाद बदलाव दिखाई पड़ा है कुछ? हाँ, कुछ तो बदलाव दिखाई दिया सर। हाँ? कुछ तो बदलाव है। बदलाव दिखे, किस तरह का? अब सबके पास में हेलमेट चल रहा है और गाड़ी कागज पूरे होते हैं और बदलाव, यही बदलाव है। आप लोग को सड़कों पर कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी। हाँ, पर इस तरह का बदलाव बहुत अच्छा अच्छा हो गया। हाँ हाँ, पहले से अच्छा हो गया। नए मोटर व्हीकल कानून के बाद लोग उन कागजात को बनवाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं जो जरूरी है। जिन्होंने बरसों से लाइसेंस नहीं बनवाया वो लाइसेंस की लाइनों में है। जिन्होंने कभी प्रदूषण चेक नहीं करवाया वो प्रदूषण के कागजात बनवाने के लिए लाइनों में लगे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो इतना ज्यादा चालान है
इससे लोग ठीक से गाड़ियां चला रहे हैं, आपको लगता है बहुत ज्यादा है, कम करना चाहिए? सर कम करना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको कम करना चाहिए? कुछ गरीब आदमी है, परेशान है, जो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, वो कहाँ से करेंगे फिर, इसलिए कम करना चाहिए। अब सरकार ने फिर जुर्माना इतना महंगा कर दिया, तो एक्चुअली वो कराए जा रहे हैं, सारे नंबर लग रहे हैं मैम, हर पंप पे चले जाइए आप, हर जगह आपको नंबर ऐसे लगे हुए मिलेंगे, टोकन बट के पोल्यूशन लग रहे हैं इनके। आपको लगता है कि लोग जो है रूल को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस सच से कोई इनकार नहीं कर रहा कि सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने की जरूरत है, इसके लिए ट्रैफिक नियम भी लागू होने जरूरी है, लेकिन फिर ले देकर आदत की मजबूरी सामने दिखती है। ऐसे में जब बीजेपी की राज्य सरकारों ने हथियार डाल दिए तो विरोधी दलों की राज्य सरकारों को तो मौका मिल ही गया। ओडिशा ने कानून लागू करने में 3 महीने की मोहलत दे दी है, मध्य प्रदेश ने फाइन ज्यादा बताकर कानून को लागू नहीं किया है, छत्तीसगढ़ भी कानून को समझ रहा है, पंजाब ने भी इसे लागू नहीं किया है, राजस्थान ने आंशिक तौर पर नया कानून पर अमल किया है, जबकि केरल ने तो कानून लागू कर उसे होल्ड पर डाल दिया है, पश्चिम बंगाल ने नए मोटर कानून को संघीय ढांचे पर हमला और लोगों पर बोझ बताकर लागू नहीं किया। Always only money is not the solution. The solution is you have to solve the problems from the humanitarian ground also. मोदी राज का ये पहला कानून है जो संसद में पास होने के बावजूद जमीन पर अटकता दिख रहा है। किसी से पूछो कि लोगों की जान बचाना जरूरी है या चालान बचाना, तो हर कोई कहेगा बेशक जान बचाना जरूरी है, लेकिन जब उस पर अमल करने की बारी आई है तो कहीं बहाना है और कहीं राजनीति। दिल्ली से आशुतोष ऐश्वर्या और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम 21 भारतीय सैनिकों के अमर शौर्य का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सारागढ़ी के 21 शहीदों को आज पूरी दुनिया याद कर रही है। जरा सोचिए कि एक तरफ सिर्फ 21 सिख सैनिक थे, सामने थे 10,000 अफगान हमलावर। ये 21 सैनिक जानते थे कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है, वो जानते थे कि इस युद्ध को लड़ना आत्महत्या करने के बराबर है, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को अपने शौर्य का सूर्य पूरी दुनिया को दिखाने के अवसर में बदल दिया। 36वीं सिख के 21 सैनिकों ने बड़ी सूझबूझ के साथ दुश्मन को पराजित किया। इस सूझबूझ का जिक्र कुछ किताबों में मिलता है। इस युद्ध पर लिखी गई किताब द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी के लेखक ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह के अनुसार हवलदार ईशर सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोली न चलाई जाए और पठानों को आगे आने दिया जाए और उन पर सभी फायरिंग तभी फायरिंग की जाए जब 1,000 गज यानी उनकी फायरिंग रेंज में आ जाए। ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह के अनुसार सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी .303 राइफलें थीं जो 1 मिनट में 10 गोलियां फायर कर सकती थीं। हर सैनिक के पास 400 गोलियां थीं, 100 उनकी जेबों में और 300 रिजर्व में। उन्होंने पठानों को अपनी राइफलों की रेंज में आने दिया और फिर चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद गोलियां तो खत्म हो गईं, लेकिन 21 सिख सैनिकों का हौसला खत्म नहीं हुआ। इसमें सबक यह है कि अगर आपके पास संसाधन कम हो तब भी आप जीत हासिल कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से। सारागढ़ी की लड़ाई अपने आप में वीरता और हौसले की एक अनोखी केस स्टडी है। यूनेस्को ने सारागढ़ी की लड़ाई की गिनती दुनिया में आज तक सबसे वीरतापूर्ण तरीके से लड़ी गई 8 लड़ाइयों में की है। आज सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी भी सारागढ़ी के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है। आज का दिन सारागढ़ी के युद्ध से हौसले का सबक लेने का दिन है।